अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर माजिद खान। नाज़रीन, इस वक्त एक पोस्ट है सोशल मीडिया पे जो बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है। तकरीबन 3-4 दोस्त मेरे खुद के भी मुझे शेयर कर चुके हैं सोशल मीडिया पे, हर जगह पे जिना उसी पोस्ट के मुतालिक जिक्र हो रहा है, उस पर कमेंट्स से बातें चल रही हैं, वीडियोज़ बन रही हैं। सो आई थॉट कि मैं उसके मुतालिक आपको थोड़ा सा जो शेयर करूँ। वो पोस्ट है अबाउट फिलियन फिनोमिना के मुतालिक। फिलियन फिनोमिना होता है कि जो ज़मीन है और सूरज, इसके दरमियान में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाए। उसमें ये बताया गया कि हमारा जो मौसम है वो जुलाई से लेके अगस्त तक बहुत ही ज़्यादा ठंडा रहेगा। उसकी रीज़न ये बता रहे हैं वो उस पोस्ट में कि जो ज़मीन और सूरज है इनके दरमियान जो डिस्टेंस जितना होता है वो 66% और ज़्यादा हो चुका हुआ है। मीन्स के आम जो डिस्टेंस है सूरज का और ज़मीन का वो होता है तकरीबन 9 करोड़ किलोमीटर। और उसमें वो बता रहे हैं कि इस वक्त जो इनका डिस्टेंस है वो तकरीबन है 15 करोड़ 2 लाख, इतना डिस्टेंस जो है ना अभी होगा, जिसकी वजह से जो है ना मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा रहेगा। मैं आपको पोस्ट जो है वो पढ़ के बताता हूँ कि उसमें उन्होंने क्या कहा है। वो कह रहे हैं जी कि कल से जो है अगस्त तक जो मौसम है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा रहेगा बनिस्बत पिछले सालों के। और इसके साथ साथ वो आगे कह रहे हैं जी कि ये इसे कहते हैं अल्बेलियन फिनोमिना और ये कल से स्टार्ट हो रहा है। मीन जब उन्होंने पोस्ट की तब वो बता रहे हैं कि ये कल से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद आगे वो कह रहे हैं कि हम ना सिर्फ जो है ना इस ठंडक को महसूस करेंगे बल्कि हम जो है ना इसको, ये जो अल्बेलियन फिनोमिना है, इसके अफेक्ट्स भी देखेंगे। मीन्स के ठंडक के साथ साथ इसके कुछ अफेक्ट्स भी आने वाले हैं। आगे वो कहते हैं जी कि इट विल एंड इन अगस्त 2022, मीन्स के ये अगस्त में जाके ख़त्म हो जाएगा। फिर आगे उन्होंने लिखा है जी कि इस फिनोमिना के दौरान जो है ना आप ठंडा मौसम जो है ना जो फील करने वाले हैं वो आपने पहले कभी भी नहीं किया होगा। और इस मौसम के दौरान में उनका कहना है कि जिस्म में दर्दें बहुत ज़्यादा रहेंगी, आपके जो गले में खराश रहेगी बहुत ज़्यादा, बुखार होगा, खांसी होगी, सांस का मसला होगा और तबीयत आपकी बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहेगी। इसलिए वो कह रहे हैं जी कि आप क्या करें जी कि इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें, मुख्तलिफ मल्टीविटामिंस लेके और अपनी फूड को इम्प्रूव करके। इससे आगे भी वो लिखते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज़ 9 करोड़ किलोमीटर। वो बता रहे हैं जी कि जो ज़मीन और सूरज है इनके दरमियान में जो डिस्टेंस होता है वो 9 करोड़ किलोमीटर है, मगर इस अल्फेलियन फिनोमिना के दौरान वो कह रहे जी जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा जी कि वो हो जाएगा 15 करोड़ 2 लाख किलोमीटर हो जाएगा। इट मीन्स कि ये 66% जो है ना इंक्रीज़ कर जाएगा उनके मुताबिक, कि इतना ज़्यादा जो है ना डिस्टेंस होने वाला है, जिसकी वजह से क्या होगा कि इस डिस्टेंस के बढ़ने की वजह से जो है ना हमें बहुत ज़्यादा ठंडक महसूस होने वाली है। और फिर एंड में उन्होंने लिखा जी कि प्लीज़ शेयर दिस विद फैमिली फ्रेंड्स एंड लव वंस, के अपने प्यारों के साथ इसको शेयर करें ताकि वो लोग मल्टीविटामिंस खाएँ, अपनी फूड का ख्याल रखें और बीमारियों से बच सकें। तो ये था वो ट्वीट जिस पे जो है ना बहुत ही ज़्यादा सोशल मीडिया पे बहस छिड़ गई है। तो इट मीन्स कि इसमें वो क्लेम क्या कर रहे हैं, वो क्लेम कर रहे हैं अल्फेलियन फिनोमिना के मुतालिक कि बहुत ज़्यादा ठंडक होने वाली है और जो डिस्टेंस है वो सूरज और चांद का, और सॉरी सूरज और ज़मीन का, वो 66% इंक्रीज़ कर जाएगा। अब आते हैं हम फैक्ट की तरफ कि फैक्ट क्या है। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे जो ना आम जो हम दोस्त हैं, लोग हैं, यहाँ तक के कुछ स्टूडेंट्स भी, उनके जहन में यही होता है कि जब सर्दियाँ आती हैं तो सूरज और ज़मीन का फासला कम हो जाता है, और जब गर्मियाँ सूरज और ज़मीन का फासला ज़्यादा हो जाता है, और जब गर्मियाँ आती हैं तो यही जो फासला है ये बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा गर्मी फील होती है। सो भाइयों दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये जो फिनोमिना है, ये जो बात है जो डिस्टेंस वाली, ये बिल्कुल गलत है। नासा कहता है जी कि ये क्लेम जो है वो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। और दूसरा, अल्फेलियन फिनोमिना जो है ये नो डाउट के होता है, मगर इसमें 66% डिस्टेंस जो है ना वो नहीं बढ़ जाता। हाँ, फ़र्क पड़ जाता है, 1% या 1.2-1.4% जो है ना डिस्टेंस का फ़र्क पड़ जाता है। और ज़मीन जो ठंडक और गर्माहट है इसके मुतालिक क्या होता है। अब होता है कि हमारी जो ज़मीन है ना वो बेजवी शक्ल, मीन्स के अंडे की तरह इसके पोल्स हैं। अब जौन सा पोल जो है ना इसका सूरज के करीब होता है, मीन्स के ज़मीन जो है रिवॉल्व कर रही है, घूम रही है, सूरज भी घूम रहा है और ज़मीन भी घूम रही है। अब जो जौन सा पोल जो है वो सूरज के करीब आता है तो वहाँ पर जो होता है क्या होता है, गर्मी होती है, और जो पोल दूर होता है वहाँ पर ठंडक महसूस होती है। ऐसा नहीं है कि ज़मीन और सूरज एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं तो सर्दी, करीब होते हैं तो गर्मी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। होता ये कि जो ज़मीन की जो मूवमेंट है
उसके जो एक पूल जो है वो जब करीब आता है सूरज के, तो वहाँ पे क्या होता है कि गर्मी बढ़ जाती है, और जो दूर होता है वहाँ पे ठंडक, और जब रिवॉल्व करते करते वो वाला पूल जब करीब आता है सूरज के तो फिर वहाँ पे गर्मी हो जाती है और दूसरे जो साइड है वहाँ पे ठंडक होती है। तो ये जो है ना सारी स्टोरी है, और ये जो क्लेम किया जा रहा है ये बिल्कुल ही गलत है। नासा जो है उन्होंने इसको मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट कर दिया है, और वो कहते हैं कि ये क्लेम गलत है। जो फैक्ट है वो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। कोई अगर मेरे से ऊंच नीच हुई हो तो माजरत, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस कमेंट में हमें जो है ना लाजमी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और इसके साथ साथ आपके माइंड में कोई भी और चीज़ हो, कोई क्वेश्चन हो, हमारी रहनुमाई, हाँ एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ इस वीडियो की, मेरी रहनुमाई के लिए भी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें कि मैं किस तरीके से और अच्छे वीडियो बना के आप लोगों तक जो पैगाम है अपने, वो नॉलेज जो मैं कहीं से गेन करता हूँ आप लोगों तक सही से पहुँचा सकूँ। आपके मेज़बान डॉक्टर माजिद खान को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।